मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां कांग्रेस विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के सामने युवा कांग्रेस नर्सिंग घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। इस सत्याग्रह में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह नर्सिंग घोटाला हुआ है यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा इस घोटाले में 5 लाख से ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। जीतू ने मांग करते हुए कहा कि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और उनके अधिकारी महेंद्र गुप्ता का इस्तीफा लिया जाए और सरकार उन बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे जो इस फर्जीवाड़े में उलझे हुए हैं। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। वो बीजेपी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया लगातार कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से कर रहे हैं, उनके बच्चों का भी अगर भविष्य अंधकार में किया। इस सरकार ने जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ भी धोखा किया, तो यही बीजेपी की और मोहन सरकार है। ऐसे 40 एग्जाम हुई जिसमें घपले और घोटाले से कलंकित है मध्य प्रदेश का माथा, और उसका दोषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और यही दोनों मुख्यमंत्री है जो पूर्व में थे और आज। नर्सिंग घोटाला, करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में, खासकर आदिवासी परिवार के लोग नर्सिंग की शिक्षा लेते हैं। जो कॉलेजों को एफिलेशन दिया गया, जिनको अयोग्य करार दिया गया, फिर उनको योग्य किया गया, उनसे उनने सब कॉलेजों ने बच्चों से फीस ली। जो सरकार का दलाली का तांडव है, जो सरकार का करप्शन का तांडव है, वो लगातार 25-25 लाख रुपए लेकर गलत कॉलेजों को एफिलेशन देते रहे। अब चूंकि उन पे फिर से जांच चली, सीबीआई के लोग करप्ट हो गए, अब उन बच्चों का क्या दोष। इन सब बातों को लेकर आज हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र जी ने और युवक कांग्रेस की पूरी टीम ने 24 घंटे का सत्याग्रह रखा है। हम मांग करते हैं कि विश्वास सारंग, जिसके समय पे ये घोटाला हुआ, नैतिक दायित्व के साथ साथ सीबीआई उनके जांच के घेरे में ले। उनका जो उस समय का स्टाफ था गुप्ता, उसके और उस समय के नर्सिंग के एफिलेशन देने वाली जो कोर टीम थी, जिसके रजिस्ट्रार और चेयरमैन थे, उनके और उनके कॉल डिटेल चेक किए जाए। साथ ही साथ उस समय जिस समय ये घपले और घोटाले हो रहे थे, उस समय जिन जिन कॉलेजों को मिनिस्टर की सहमति से दिया गया, तो विश्वास सारंग को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए, उनके पीए को भी लेना चाहिए। मोहन सरकार अगर ईमानदारी से जाँच चाहती है और दोषियों को सजा देना चाहती है, तो इसी वक्त विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हर एग्जाम्स और पेपर में कोई से भी नियुक्तियों में घपले और घोटाले का इतिहास रचा जा रहा है, बीजेपी उसका एक बड़ा करप्ट चेहरा बन गया है। जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम ही वोट देते हैं इनको और यही हमारे बच्चों के भविष्य का गला घोटते हैं, तो आखिर हम अपना काम करेंगे, मीडिया अपना काम करेगी, पर वोटर को भी अपना काम करना है कि ऐसे लोगों को कब तक आप जिताते रहोगे। इन करप्ट लोगों को बीजेपी मेरी पार्टी है तो मैं उसको वोट दूंगा और मेरे बच्चे के भविष्य का गला घोट दूंगा, तो ये कब तक विचार नहीं आएगा परिवारजनों में। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इसका विरोध करें। ये लगातार चलने वाली एक फेरिस्ट है जब तक कि ये विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं हो जाता। आज हमारे विधायकों को निर्देश दिए गए हैं वो सदन में पूरी ताकत से नर्सिंग घोटाले को पर्दाफाश करें। सरकार बचने की कोशिश करेगी, बहाने बनाने की कोशिश करेगी, अपना पाप दूसरों पर डालने की कोशिश करेगी, पर अपना चेहरा छुपा नहीं सकते कि पापी कौन है जिसके समय पे घोटाला हुआ है। वह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। हम यह लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। आज हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी इस बात को निरंतर कल भी लड़े थे और आज इसको लेके उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो जब वहाँ वो चर्चा की मांग है तो इस जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए और चर्चा उस पर्चे की होनी चाहिए जो नर्सिंग घोटाले का कांड विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ और इस प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गई है और उनके भविष्य को बेचा गया है। क्योंकि ये धांधली है। बेचा कैसे गया है? 66 कॉलेज खुले, उनकी मान्यता रद्द की गई। कहाँ है वो विद्यार्थी? क्या प्लानिंग है सरकार की उन विद्यार्थियों को लेके?
क्या डेटा है आप सरकार से पूछिए, वो 66 कॉलेज के विद्यार्थियों को कहाँ प्लेसमेंट दी है, किस जगह भेजा है। तो हम तो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, और ये बात कह देते हैं कि सीबीआई ने जांच की। अच्छी बात है, सीबीआई की जांच में लोग दोषी पाए गए। जब सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए हैं तो इसका मतलब दोषी हैं लोग, तो उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कहते हैं कि हाईकोर्ट और न्यायालय में चल रहा है, वो काम करते रहेंगे, लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ बैठे हैं विद्यार्थियों के लिए, उस मांग के लिए कि उनके भविष्य को लेके आपने क्या रणनीति, क्या योजना बनाई है। 253 कॉलेज खोले गए, 253, तो सोचिए ना, एक संज्ञान में नहीं आया। और मीडिया तो सब जानती है कि एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, दो कमरे में नर्सिंग कॉलेज की मान, तो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है, ये दिखाने वाली भी मीडिया है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि जितना सुंदर काम आपने किया है उसको तो हम सड़क पे लेके आ रहे हैं, तो इस आवाज को और उठाना चाहिए और इसको मजबूती देनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।